अलवर पुलिस महिला एवं बाल अपराध के मामलों में गंभीरता से सख्त कार्रवाई कर रही है। इसका ताजा उदाहरण बीते दिनों दो मासूमों से रेप मामले में हुई कार्रवाई से देखने को मिल रहा है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। इसमें पुलिस ने एक बाल अपचारी को निरुद्ध करते हुए गुरुवार को उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। एक अन्य मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 20 सितंबर को 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इसके अलावा दूसरे मामले में एक 14 माह की बच्ची के साथ दुराचार हुआ था। इन दोनों घटनाक्रमों को पुलिस ने गंभीरता से लिया। पुलिस ने 7 साल की बच्ची के मामले में बाल अपचारी को निरुद्ध किया है, साथ ही 3 दिन में ही अदालत में चालान पेश किया। दूसरे मामले में भी पुलिस ने 74 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की। एसपी गौतम ने बताया कि पुलिस महिला एवं बाल अपराध की रोकथाम को लेकर गंभीर है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो पॉक्सो के मुकदमे अलवर जिले में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें जो 20 तारीख में एक मुकदमा रजिस्टर हुआ था वो एक 6 साल की बच्ची के साथ एक बाल अपचारी द्वारा छेड़छाड़ और अवैध तरीके से टचिंग का जो मुकदमा था, जो पॉक्सो के अंतर्गत हमने रजिस्टर किया था, जिसमें खुद मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए बच्ची से खुद बात करने के लिए मैं स्वयं एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर आईपीएस प्रोबेशनर ज्येष्ठा मैत्रे हम तीनों गए थे। हमने उनसे बात की बच्ची से और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने उसे तुरंत बालापचारी को निरुद्ध किया और संपूर्ण अनुसंधान कंप्लीट करके केवल 3 दिवस में हमने चालान पेश किया।